हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 30, जो कि एक इंपॉर्टेंट मैच है जिसमें ग्रुप एक की दो टीम्स है, जिसमें एक तरफ USA है तो दूसरी साइड आयरलैंड देखने को मिल रहा है। यह मैच आपको 14 जून के लॉन्डर हिल फ्लोरिडा के CBR स्टेडियम में खेला जाएगा। ग्रुप ए की स्थिति के अनुसार दोनों टीमों के पास अभी भी सुपर 8 में पहुंचने का मौका, लेकिन अमेरिका इस मैच में जीत के साथ इसे फाइनल कर लेगा, क्योंकि तब USA 6 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर लेगा और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पर मैच के दिन में मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, बारिश की भी संभावना है, ह्यूमिडिटी 94% रहेगा और टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं, यहाँ के पीछे T20 बैटर्स के लिए चुनौती पेश करते हैं। विकेटें T20 में अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली तेज और सपाट पिच से अलग होती है, पीछे अपने स्लो सतह और स्लो ऑल फील्ड के लिए जानी जाती है। इसके अलावा शुरुआती स्पिन मूवमेंट स्विंग बॉलर की मदद करेगी। वहीं अगर बात करें इनके विनिंग परसेंटेज देखें, जो कि बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 56% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 31% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 165 है, वहीं पर सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 129 है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, दोनों टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं, जो कि USA एक मैच जीत के आ रही है तो वहीं पर आयरलैंड भी एक मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी आयरलैंड का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे आयरलैंड का परफॉर्मेंस अब तक वर्ल्ड कप में निराशाजनक रहा। टीम पहले भारत से हारी, उसके बाद कमजोर कनाडा से भी टीम को हरा दिया गया। अब यहाँ से कुछ चमत्कार ही टीम को आगे ले जा सकती है। टीम की बैटिंग अब तक फ्लॉप चल रही है, उनके किसी भी बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में अभी तक 35 स्कोर से ज़्यादा नहीं लग पाए। कप्तान जो कि पॉल स्टीलिंग एंड एंड्रयू बालब्रिन जो कि टॉप ऑर्डर में खेलेंगे। नंबर 3 पर युवा बैटर जो कि हैरी टेकर और लॉन्कर टेकर जो बड़े शॉट लगा सकते हैं, और मिडिल ऑर्डर में जो कि कर्टिस कैम्फर और जॉर्ज डिलाने बैटिंग लाइनअप को वेरिएशन प्रदान करते हैं। वहीं पर मार्क एडन जो टीम की बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पिछली 19 इनिंग में 15.64 के शानदार एवरेज के साथ 34 विकेट लिए। वहीं लेग स्पिनर बेन व्हाइट और मीडियम पेसर बॉलर क्रेग यंग जो टीम के लिए एक अच्छा साबित हो सकते हैं, गेंद के साथ जोश लिटिल जो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा, जहां पे बैरिक मैकार्थी जो कि खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि पॉल स्टेरलिंग है, एंडी बालब्रिन है, लॉर्कन टकर है, हैरी केकर है, जॉर्ज डॉकरेल है, गैरेथ डेलनी है, कुर्टिस कम्फेयर है, मार्क डेयर है, बैरी मैकार्थी है, जॉस लिटिल है और क्रेग यंग है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात करें जो कि पॉल स्टीलिंग है, एंडी बालब्रिन है और लॉर्कन टकर है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी USA का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे मोनांग पटेल की टीम ने वर्ल्ड कप में जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ रही है। कनाडा और पाकिस्तान को हराने के बाद लास्ट गेम में टीम को भारत से हार मिली थी पहले, लेकिन टीम ने भी भारत को टफ फाइट दी। अब यहाँ पे टीम का बचा हुआ एक मैच जीतती है तो लेकिन इतिहास बना देगी, टीम सुपर 8 में क्वालिफाई भी कर सकती है। ओपनिंग में बात करें जो कि स्टीवन टेलर और मोनांग पटेल खेल रहे हैं, मोनांग जो कि लास्ट गेम में चोट के चलते बाहर हो गए थे, अब यहाँ उनके खेलने की उम्मीद है। टीम का मिडिल ऑर्डर बहुत ही स्ट्रांग है, उसे एंडी गॉस और आयरन जोन्स की जोड़ी इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है। लॉर्डर में जो कि कॉरी एडर्सन, हरमनप्रीत सिंह और नीतीश कुमार अच्छे हिटर है, इन तीनों ने ही लास्ट मैच में रन बनाकर टीम को 100 के पास स्कोर करवाया था। हाल के मैचों में बॉलिंग अटैक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, टीम ने लगातार भारत के 2 विकेट सिर्फ 10 रन पे ही गिरा दिया था। भारत के खिलाफ सौरभ नेतवालकर और ने 2 विकेट लिए थे, वो भी रोहित और कोहली के, अली खान ने भी 1 विकेट लिया था। यहाँ पे स्टीवन टेलर और जेसी सिंह मिडिल ओवरों में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। पार्ट टाइमर में आपको सैडली वैन साल्विक और हरमनप्रीत सिंह और एडर्सन से भी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। अब बात करते हैं USA का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि मोनांग पटेल है, स्टीवन टेलर है, एंडिस गॉस, एरन जोन्स है, नीतीश कुमार है, कोरी एडर्सन है, हरमनप्रीत सिंह है, अली खान है, जैसी सिंह है, नॉर्थ ईस्ट कैंजी है, सौरभ नेतवालकर है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात करें जो कि कोरी एडर्सन है, मोनांग पटेल है, स्टीवन टेलर है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन देखते हैं। हालांकि आयरलैंड हाई रैंकिंग वाली टीम है, लेकिन USA ने कनाडा और पाकिस्तान को हराया और साथ ही भारत को भी झटके दिए हैं। आयरलैंड की टीम वीक दिख रही है और USA की जीत प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इससे सुपर 8 में पहुंचने की मौका मिल सकता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।